हाय फ्रेंड्स, इनके रोम रोम टेस्टान लेमन राइस रेसिपी दा पाकपर रोम ईसिया रेडी पड़ेल रोम रोम टेस्टा लेमन राइस रेसिपी पाक इतवे चेनल कुकिंग एंड टिप्स कैफे सब्सक्राइब सब्सक्राइब पड़को बेल आइकन क्लिक पड़ीना ना पड़े लेटस्ट वीडियो उड़ना उ नोटिफिकेशन वह सर इप्ली से पापम ना और फ्रे पेन एूणु टेबल स्पून अल्वक आयिल सेतें ना सूडानदम अेबल स्पून अल्वक कड़गु सेतें और टी स्पून वंदयम और टी स्पून सीरकम इतकूर टेबल स्पून उल्तम पर्प रे टेबल स्पून अल्वक कड़ले पर्प सेतें इतना कलंरल इतकू ना और आर पूपाल पड़िया कट पड़ी वचरें अद सेकनों पू सेकाल लेमन रईसो टेस्टे रोम सूपर इतकू और एट का मिगे और कई अल्वक करवे से ना फ्रे पड़नों इतकूड नालु पच मिगें सेतरल और टेबल स्पून अल्वक मंजल तूल सेतें और टेबल स्पून अल्वक परी सेतें परी और टेबल स्पून अल्वक सेतना लेमन रईसो टेस्टे रोम ना और अंजुप सापड़ मादी सापाटक ना रेडी पड़ी एड़े इतक ती ऊ मंजलो पचवास पड़े अल्वक इतना गटी आगण इतना एन परी गटी आगे वाकू ना को इतान उप सेतरल आलरे उपाल इतक मट उ सेतरल ना वो और लेमन एड़ें लेमन ज्यूस इतमी एन परी मसालो पचवासन पोनदा नम्बर लेमन ज्यूस सेकनों लेमन ज्यूस सेतक वेकूड़ा उड़न स्टव आफ पड़ो लेमन ज्यूस सेतक वीनासप वो इन ना और अंजुप सापड़ मादी सापाटा ना रेडी पड़े ऐल लेमन वह ना सेतें इतना कल स्टव आफ पड़ा उप करेक्टाकान और दौ से पड़ी पातको इन और अंजुप सापड़ मादी सापाड़े अम्म रेडी पड़ी वचर लेमन मिक्स अभी कोटी ना मिक्स पड़नों ना सुन अलव से अंजुप सापड़े करेक्टा सापाटे ना कल ना मिक्स पड़नों एल पकमों मंजल ना परवि मिक्स पड़नों इत व ना कल और रे टेबल स्पून अल्वक ना ऊती ना कल और अरे मणि नेर अब मूड़ वा टेस्ट वो रोम रोम सूपर கடைசியா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊத்திட்டு நல்லா கலந்துறலாம் இது ஒரு நல்ல வாசனை கொடுக்கும் ரைஸ் எல்லாம் ஒன்னோடனும் ஒட்டாமலும் இருக்கும் அவ்வளவுதான் இப்போ இதை நல்லா கலந்துட்டு இது ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே மூடி வைக்கணும் ஒரு அரை மணி நேரம் மூடி வச்சதுக்கு அப்புறமா எடுத்து சர்வ் பண்ணீங்கனா இந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா உறிஞ்சி சூப்பரா இருக்கும் இதல பெருங்காய பொடி பூண்டு எல்லாம் சேர்த்திருக்கிறதுனால லெமன் ரைஸோட டேஸ்டே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா நான் சொன்ன இதே அளவுல நீங்களும் லெமன் ரைஸ ட்ரை பண்ணி பாருங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாவும் இருக்கும் ரைஸ் கூட உருளைக்கிழங்கு பொரியல் மட்டும் வச்சு சாப்பிட்டீங்கனாலே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் நான் சொன்ன இதே அளவுல நீங்களும் லெமன் ரைஸ ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்க என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கண்டிப்பா சொல்லுங்க இந்த லெமன் ரைஸ் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா லைக் பண்ணுங்க இதுவரைக்கும் என்னோட சேனல் குக்கிங் அண்ட் டிப்ஸ் கஃபே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணீங்கனா தான் நான் போடுற லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ் உடனடியா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும் 5 நிமிஷத்துல ரெடி பண்ணக்கூடிய சூப்பரான லெமன் ரைஸ் கண்டிப்பா எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா வரும்